ड्रग्स के खिलाफ हमारी एक जो मुहिम है इस संदर्भ में है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो ये कार्रवाई है ड्रग्स के खिलाफ पॉवर्टी अटैक इनके खिलाफ जो पिट इंडिकेट्स की कार्रवाई है उसका रास्ता जारी और लगातार चल रही है। इसी कड़ी में जिस श्रृंखला में जम्मू पुलिस ने करीब करीब 33 करोड़ रुपए की हीरोइन जो है वो आज जम्मू बस स्टैंड की लागत बराबर की। जम्मू बस स्टैंड को एक सूचना मिली कि जो संदिग्ध व्यक्ति उस इलाके में एक बैग के साथ कोई वस्तु जो कि काफी भारी मात्रा में वो लेकर कहीं बॉर्डर इलाके से बस स्टैंड की तरफ आ रहे थे। तो लिहाजा जब वहां पर नाकाबंदी की गई और जब हमने सर्च की तो दो एक संदिग्ध व्यक्ति हमने उसमें से गिरफ्तार किया। उसे जब तलाशी ली गई तो उस सामान की जब हमने शिनाख्त की उस सामान की हमने नगे पता की वो किस तरह की चीज़ है तो हमें ये पता लगा कि बेसिकली वो एक बहुत ही उमदा किस्म की हीरोइन है और करीब करीब 33 किलो उसका वेट है और करीब करीब उसकी जो एक मालियत के हिसाब अगर हम कहें तो 33 करोड़ तो बनती है बट उसकी मालियत ज़्यादा भी हो सकती है में। और इसमें अभी हमने एक व्यक्ति गिरफ्तार किया है और बाकी अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन इस संदर्भ में अभी इन्वेस्टिगेशन जो जारी है तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे जम्मू प्रांत के सभी जिलों में हमने एक मुहिम और भी शुरू की है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट जो कि ड्रग पेडलर्स से जो इन्होंने ड्रग के संदर्भ में प्रॉपर्टी एक्वायर की उस पैसे से उसकी भी हमने फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन काफी सारे जिलों में की है। तो पुंछ के जिले में करीब करीब 40 लाख की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। रजौरी में करीब करीब 4 करोड़ के आसपास की मालियत की प्रॉपर्टी हमने जब्त की है। कठुआ में करीब 70 लाख, सांभा में करीब करीब 1 करोड़ और रियासी में करीब 24 लाख और 14 करोड़ के आसपास मालियत की प्रॉपर्टियाँ जो है वो भी हाल में अटैच हो गई। और अभी चूंकि ये जो केस है इस पर इन्वेस्टिगेशन अभी स्टार्ट हुआ है लिहाजा इसमें भी फर्दर आगे और कार्रवाई होगी। सर ये कहां का ये वो आई कहां से और ये कहां जाना था सर ये सीमा पार से लाई गई ये नहीं अभी पता है कि ये मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी इन्वेस्टिगेशन का मसला है क्योंकि अभी हम नहीं कुछ कह पाएंगे। ये सीजर हुआ है तो ये हमारी बड़ी कामयाबी रही है। नहीं अभी तो इन्वेस्टिगेशन का मामला है बाली नाबाली तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता लगेगा कि क्या उसकी होता है। तो लिहाजा पंजाब के संदर्भ में जो है गिरफ्तारियां पहले भी हुई और जैसे लोकल भी हमने अरेस्ट किए हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ पंजाब से गिरफ्तारियां हुई है बट ये चूंकि ये ट्रांजिट रूट भी है और कंजम्पशन रूट भी है उसके लिए अभी इन्वेस्टिगेशन भी है। सर क्योंकि ये बॉर्डर से आ रहा था और शहर की तरफ आ रहा था क्या ये रूल आउट किया जा सकता है कंसाइनमेंट ड्रोन ड्रॉपिंग या पाकिस्तान का भी हाथ? अब इसमें तो इन्वेस्टिगेशन का मामला रहेगा इसमें उसकी तबीयत क्या है वो कैसे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।